Assalamualaikum, very good evening my beautiful ladies and my YouTube family and my Facebook family. क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, मजे में है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके. काफी दिन हो गया है मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी. बहुत सारी फरमाइश के ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स दाल बनाई जाए, तो आज फिर मैंने कहा चलें कोशिश कर ही लेते हैं एक. तो आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल आप कुछ भी कह सकते हैं, चार मिक्स दालें जिसमें है माश की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल और धुले हुए मसूर की दाल. ठीक है, तो चलते हैं आप दालों की तरफ. ये अब आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाएंगे, जितनी जितनी किसी को नीड है उतनी. हमारे क्योंकि फैमिली कम है, कम अफराद है, इसलिए मैं 1/3 कप ईच दाल डालूंगी, 1/3 कप. ठीक है, आपने जितनी डालनी है आप उतनी डालें. इतनी ही मैं ये मसूर की डालूंगी छिलके के बगैर वाली, और इतनी ही मैं डालूंगी मूंगी की, ये मूंग की दाल. ठीक है जी, और इतनी ही डालूंगी मैं माश की दाल, धुली हुई माश की दाल इतनी ही डालूंगी. ये ऑलमोस्ट 1 पाव के करीब हो गई. इसको मैं 1 घंटा भिगो के रख दूंगी अब, तो उसके बाद फिर हम आएंगे कुकिंग की तरफ. इसका तड़का जो है ना, सबसे जो मेन इसकी चीज है वो तड़का ही है. तो इंशाल्लाह फिर अब मेरे साथ आप रहें तो फिर देखते हैं कि कैसे ये बनती है रेस्टोरेंट स्टाइल की दाल. चले जी, ऑलमोस्ट 45 मिनट हो गए हैं, तो दाल हमारी फूल के देखें कितनी ज्यादा हो गई है. हमारे लिए इतनी काफी है, आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से करेंगे. इसमें मैंने डाला है तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा ये गार्लिक का, सॉरी उसका जिंजर का, और 1 हरी मिर्च डाली है क्योंकि यहाँ की मिर्चें बहुत ज्यादा तेज होती हैं, इसलिए मैंने 1 ही डाली है. और लहसुन जो है वो आपकी मर्जी जितना मर्जी डाल लें, ये मैं ज्यादा डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. तो अब इसको मैं करूंगी पेस्ट, इसकी बनाऊंगी, तो फिर बाकी स्पाइस जो है आपके सामने डालते हैं. इसमें हम डालेंगे दाल और इसमें हम डालेंगे पानी, तकरीबन हम डालेंगे, कि मैंने अभी थोड़ा डाला मगर 1 लीटर के करीब पानी डालूंगी. ये जो मैंने पेस्ट बनाई है अभी ये आपके सामने, ये डाल दूंगी. इसके अंदर ही हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि पेस्ट ज़ाया नहीं होना चाहिए. मैं आपको बता दूं, जो ढाबा की दाल होती है उसमें प्याज नहीं डलता, उसमें टमाटर नहीं डलता. ठीक है, वैसे मैं डालती हूँ, जो रेगुलर मैं दाल बनाती हूँ उसमें मैं प्याज टमाटर का इस्तेमाल बहुत करती हूँ, लेकिन ढाबे की दाल में क्योंकि जारी बात है उन्होंने अपना खर्चा बचाना होता है तो इसलिए वो नहीं डालते. और मैं डालूंगी नमक, मेरे पास पिंक सॉल्ट है, ये थोड़ा मोटा होता है, ये मैं कम ही डालूंगी, बाद में हम टेस्ट कर लेंगे. और इसके साथ मैं आपको बताना भूल गई, ये 3 लौंग, 3 लौंग डालेंगे हम, 3 से ज्यादा हम नहीं डालेंगे. ठीक है, ये डालेंगे. इसमें हम डालेंगे हल्दी 1 स्पून भर के, ये भी मैं खुद से मैं ज्यादा डालती हूँ क्योंकि हल्दी फायदेमंद होती है, इसलिए हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए. इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च हसबे ज़रूरत, पहले क्योंकि हमने हरी भी डाली है तो इसलिए ये मैं थोड़ी सी डालूंगी 1 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून, क्योंकि पिसी हुई लाल मिर्च नहीं जाएगी. बस अभी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी. अब हम इसको कुकर लगा देंगे तकरीबन 17 मिनट ये कुकर चलेगा सीटी बजने के बाद. ठीक है, तो फिर आप मिलते हैं, आपको दिखाते हैं 17 मिनट के बाद. चलें जी, दाल हमारी होगी रेडी जबरदस्त 17 मिनट में, मगर आप अपने स्टोव की जिस तरह की हीट है उस हिसाब से करेंगे. कई लोगों का 30 मिनट में हो जाता है और कई लोगों का 20 मिनट में, कईयों का 10 में, ये आप अपने हिसाब से करेंगे. चलो दाल हमारी होगी रेडी, अब हम चलते हैं तड़के की तरफ. नमक आप चख लेंगे, सब कुछ चखना वो आपकी ड्यूटी है. तो अब हम चलते हैं तड़के की तरफ. ठीक है जी, मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज मैंने काट लिया, इसको मैं स्टोव कब करती हूँ ऑन. तो अब ये डिसाइड आपने करना है आपने किस में बनाना है, तड़का मक्खन में बनाना है, घी में बनाना है या ऑयल में. चलें जी, अब बारी आती है तड़के की. तड़के में अब आपने डिसाइड करना है आपने ऑयल डालना है, आपने घी डालना है या आपने मक्खन डालना है. मैं डाल रही हूँ देसी घी,
ये अब आपकी चॉइस है। ढाबों में तो ज़्यादा ज़्यादा देसी घी नहीं डलता, लेकिन हम क्योंकि घर बना रहे हैं इस पर हम डाल रहे हैं देसी घी। रिफाइंड ऑयल को ज़रा अवॉइड किया करें, या बटर यूज़ करें या देसी घी। और जिन चीज़ों कुछ चीज़ों में डलता भी है उसमें से हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये तड़का जो है ना, तड़का ही सब कुछ है इस दाल का। तो ये अभी हम थोड़ा सा, इसको टाइम लगेगा ब्राउन होने तक, तो फिर मैं मिलती हूँ, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो फिर। चले जी, अब हम इसमें इतने ब्राउन होने के बाद हम डालेंगे सारा मिक्स गरम मसाला, जिसमें दालचीनी है, जिसमें सूखा धनिया है, जिसमें जीरा है और थोड़ा सा तेज पत्ता है, ये डालेंगे। और साथ ही अब इसमें चला जाएगा गरम मसाला, ठीक है जी। इस स्टेज पे गरम मसाला चला जाएगा और साथ ही मैं इसमें डालूँगी उस गरम मसाले में, उसमें था सूखा धनिया पिसा हुआ और उसके साथ था जीरा पिसा हुआ। अब ये है गरम मसाला, गरम मसाला है इसमें और साथ है लाल मिर्च आधी टीस्पून। ये जो तड़का है ना इसका, यही इसकी जान है। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ चंद सूखी हुई लाल मिर्चें और साथ मेथी, सूखी मेथी। खुशबू देखें आप इसकी, तो बस कुछ ना पूछे, ज़बरदस्त। ये तड़का हो गया हमारा रेडी, अब हम इसमें डालेंगे, ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसको साथ ही हम कवर कर देंगे थोड़ी। चलें जी, हमारी डाबा दाल होगी रेडी। साथ मैंने बनाई है व्हाइट राइस और साथ इसके सैलड मैंने बनाया है अनियन, टमेटो एंड पुदीना। और उसमें मैंने डाला है विनीगर, मैंने लेमन नहीं डाला, विनीगर के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। और साथ मैंने सूखा पुदीना ऊपर डाल दिया, साथ मैंने हरा पुदीना भी डाल दिया है। तो अब हम खाएंगे मज़े मज़े से। चलें जी, हमारी डाबा दाल होगी रेडी। साथ मैंने बनाई है वाइट राइस और साथ इसके सैलड मैंने बनाया है अनियन, टमेटो एंड पुदीना। और उसमें मैंने डाला है विनीगर, मैंने लेमन नहीं डाला, विनीगर के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। और साथ मैंने सूखा पुदीना ऊपर डाल दिया, साथ मैंने हरा पुदीना भी डाल दिया है। तो अब हम खाएंगे मज़े मज़े से। आप भी बनाएं और खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार दाल है। जितनी देखने में मज़ेदार है, इतनी खाने में भी ही मज़ेदार है। तो अब मैं चलती हूँ, क्या करने वाली हूँ मैं, अब आपके सामने करूँगी थोड़ा सा टेस्ट, फिर बताती हूँ कि कैसी मैंने दाल बनाई है, फिर कारनामे कैसे बने हैं इसके, मैंने कैसा कारनामा दिखाया फिर आपको बताती हूँ। आप भी बनाएं और खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार दाल है। जितनी देखने में मज़ेदार है, इतनी खाने में भी ही मज़ेदार है। तो अब मैं चलती हूँ, क्या करने वाली हूँ मैं, अब आपके सामने करूँगी थोड़ा सा टेस्ट, फिर बताती हूँ कि कैसी मैंने दाल बनाई है, फिर कारनामे कैसे बने हैं इसके, मैंने कैसा कारनामा दिखाया फिर आपको बताती हूँ।